कुछ यूजर का कहना होता है कि हमारे पास एक एक्सेल शीट है और हम इसमें एक्सेल शीट के अंदर एक सेल में कुछ और लाइन लिखना चाहते हैं, जैसे कि रीबॉक है, रीबॉक के नीचे डिस्ट्रीब्यूटर का नेम आ जाए तो इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद तो यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम आती है। दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर ये चाहते हैं जैसे इंटर दबाएँ तो रीबॉक के नीचे कर्सर आ जाए और हम उसमें टाइप कर लें, है ना। इस तरह का अगर आपका भी प्रश्न है तो जानने के लिए इस वीडियो कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। जैसा कि मैं यहाँ पर दोस्तों कर्सर रखता हूँ और टाइप करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर है ये दिल्ली के, तो दिल्ली टाइप करता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये नीचे टाइप हो, है ना। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। आपको एक शॉर्ट की दबाना है, ऑल्ट प्लस इंटर, ठीक है। जैसे ही दबाएंगे ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो आप दिल्ली लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है, यहाँ पर मुझे पिन कोड भी डालना है लेकिन मुझे साइड नीचे ही डालना है, तो वो कैसे डालूँगा मैं। फिर से आपको ऑल्ट इंटर दबाना है, ठीक है। जैसे ही दबाएंगे फिर से कर्सर आ जाएगा। हम यहाँ पर पिन कोड लिख देते हैं, पिन कोड मुझे पता नहीं है लेकिन मैं ऐसे ही टाइप कर देता हूँ, ठीक है, ओके, और इंटर करते हैं। देखिए तीन लाइन लिख ली। तो आपको केवल शॉर्ट की यूज़ करना है, ऑल्ट प्लस इंटर, ठीक है। तो आप जितनी सेल में लिखना चाहे इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर मैंने एक तरीका बता दिया आपको एक सेल के अंदर कितनी भी लाइन टाइप करने का, है ना। अब दोस्तों मैं दूसरा तरीका और बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है दोस्तों, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ शीट नंबर 2, यहाँ पर कुछ नेम लिखे हैं, तो यहाँ पर है अजय माहौर, तो यहाँ पर हम इसको ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। ड्रैग करने के बाद तो देखिए ये है अजय माहौर, तो यहाँ पर आपको नीचे चाहिए लाइन में, दो लाइन में चाहिए, तो सिंपल सा इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ रैपटेक सिंपल सा इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ऐसे ही आप सभी को सिलेक्ट कीजिए और रैपटेक्स कर दीजिए, ये दो लाइन में आ जाएगा। अगर तीन लाइन करना है, तीन लाइन में लिखने के लिए, तो तीन लाइन में लाने के लिए आपको मैटर टाइप करना होगा, तो आपको खिसकाना होगा, यहाँ पर तीन लाइन में टाइप करना होगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कुमार, ठीक है, एंड बाहर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर इस तरह कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर तीन लाइन में आ गया, इसको हम सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों तीन लाइन में लाने के लिए आपको इसको चिपकाना होगा, है ना। तो देखिए ये अब करेंगे हम रैपटेक्स, देखिए तीन लाइन में अजय कुमार माहौर, है ना, एंड सेंटर कर दीजिए सभी को। तो आप दो तरीके से, एक रैपटेक्स और दूसरा आप ऑल्ट प्लस एंटर की दबाएंगे तो आप एक दो तीन लाइन में आसानी से टाइप कर सकते हो एक सेल के अंदर एक्सेल शीट में। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।